Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इनिंग और 44 रन से शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग में बांग्लादेश सिर्फ 168 रन पर ही ढेर हो गई। साबका बीवी को रकम देने के बजाय शोहर ने 7 लाख डॉलर जला दिए। अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी पर 55 साला शख्स 30 रोज के लिए जेल भेज दिया गया। सुपर बॉल इवेंट के फाते का शानदार इस्तकबाल। लॉरेन टार्डिफ कहते हैं कि मैं अपनी फतूहत के लिए मद्दाहों के तावुन पर मशहूर हूँ। मुख्तसर दौराने के फिल्म अख्वान 92वीं एकेडमी अवार्ड के लिए बराए रास्त एक्शन शॉर्ट फिल्म के जुमरे में नामजद कर ली गई। फिल्म में अख्वान में एक ट्यूनिस के चरवाही की कहानी सुनाई गई है। असाज़ा की तमाम मरकजी तालीमी यूनियनों का रवां हफ्ते हड़ताल का ऐलान। तवक्को है कि रवां हफ्ते ऑन्टेरियो के तमाम स्कूलों में तालीम और तदरीस का निज़ाम मुअत्तल रहेगा। शाम में इत्तेहादी अफवाज की कार्रवाई में बच्चों समेत 20 शहरी हलाक। मरकजी शाहरा का कंट्रोल हासिल करने के लिए जंजुओं की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना रहा। अमेरिका में जेट तैयारा गिरकर तबाह। खातून समेत 4 अफराद हलाक। तैयारा मौसम की खराबी के बाद जंगलाती इलाके में दरख्तों से टकरा कर तबाह हुआ। कोरोना वायरस चीन में हलाकतें 800 से तजावुज कर गईं। कोरोना वायरस ने 2003 में सार्स वायरस से होने वाली 774 हलाकतों के रिकॉर्ड को भी उबूर कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Pandit Vijay Ram, a famous astrologer and psychic healer, palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijay Ram का कहना है, इनके पास आपकी तमाम समस्याओं का हल है। काले जादू का तोड़, आपका महबूब आपके कदमों में। आपकी मैरिज, जॉब, कारोबार, बीमारी और कोर्ट कचहरी समेत तमाम समस्याओं का हल। तमाम धर्मों के बहन भाइयों की मुश्किलात दूर कर सकते हैं। All religions welcome. पंडित विजय राम से राबता कीजिए 6473912133 6473912133 एड्रेस 5330 यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क टोरंटो। खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रावलपिंडी टेस्ट में 44 रन से हरा दिया। कौमी टीम ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश सिर्फ 168 रन पर ही ढेर हो गई। बंगाल टाइगर्स को 39 रन पर पहला नुकसान उठाना पड़ा, जबकि नसीम शाह ने सैफ हसन को 16 रन के इनफरादी स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया। तमीम इकबाल 34 रन बनाकर यासिर शाह के हाथों LBW हुए। इस मौके पर कप्तान मोमिन उल हक ने अपनी टीम के मजमू स्कोर को 100 रन तक पहुँचाया। ताहम नजमुल हुसैन शांतु के 38 रन पर आउट होने से तीसरे विकेट के लिए 71 रन की कीमती पार्टनरशिप खत्म हो गई। नसीम शाह ने शांतु के बाद तेजुल इस्लाम और महमूदुल्ला को एक के बाद दीगरे आउट करके टेस्ट कैरियर की अव्वलीन हैट्रिक का जश्न मनाया। मोहम्मद मिथन को भी खाता खोलने का मौका नहीं मिला। इससे कबल पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 445 रन बनाए। कौमी टीम की जानिब से बाबर आजम 143, शाह महसूद 100, हारिस सुहेल 75, असद शफीक 65 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश की जानिब से अबू जावेद, रोबेल हुसैन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। दुनिया भर में अक्सर अजीब गरीब खबरें हमें वर्ता हैरत में डाल देती हैं। इसी तरह की एक खबर कनाडा में सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने तलाक के बाद साबका बीवी को रकम देने के बजाय तकरीबन 7.5 लाख अमरीकी डॉलर जला दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
गैर मुल्की खबरसा अदारे के मुताबिक 55 साल ब्रोस में कोनोवेल मेयर के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने अदालत में जज को बताया कि उन्होंने 6 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 25 दफ़ा में 10 लाख कैनेडियन डॉलर्स तकरीबन 7,50,000 अमरीकी डॉलर्स निकाले और उनको दो हिस्सों में चला दिया। उनका कहना था कि पहली बार उन्होंने 7,34,000 कैनेडियन डॉलर्स 23 सितम्बर को जबकि बकिया 2,96,000 डॉलर्स 15 दिसंबर को जलाए। केस की समाअत के दौरान कैनेडा की सुपीरियर कोर्ट के जज क्यून फ्लिप्स ने मुलजिम से इस्तफसार किया कि आपने बताया कि आपने पैसों को बर्बाद किया तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने उनके साथ क्या किया, जिस पर ब्रोस ने जवाब दिया कि मैंने उन्हें जला दिया। मुल्जिम ने मजीद कहा था कि अमूमन मैं ऐसा इंसान नहीं जो ऐसी हरकत करे और ना ही मैं बहुत ज्यादा मादा परस्त इंसान हूं। मैं हमेशा ही किफायतशार रहा हूं और इसी वजह से मैंने 31 साल तक अपना कारोबार किया, जिस पर जज ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो क्योंकि तुमने जो कुछ सोच समझ कर किया है वो सरासर तुम्हारे बच्चों के मुफाद के खिलाफ है। बाद में जज ने ब्रोस को अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी पर 30 रोज के लिए जेल भेजने का हुक्म दिया और साथ ही अपने सरमाए अदालत के सामने जाहिर न करने पर साबिक अहलिया को यौमिया 2,000 कैनेडियन डॉलर्स देने का भी हुक्म दिया। कैनसास सिटी चीफ की जानिब से खेलते हुए सुपर बॉल टूर्नामेंट में फतह हासिल करने वाले कैनेडियन खिलाड़ी लॉरेंट टार्डेफ अपने आबाई शहर मॉन्ट्रियल पहुंच गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शायकी ने सुपर बॉल इवेंट के फातह लॉरेंट टार्डीफ के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मॉन्ट्रियल मेयर विलरी प्लांटे ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनके मद्दाहों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि शानदार इस्तकबाल दर हकीकत मेरे लिए एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि छुट्टियों के दौरान वो अपनी तवज्जो रिफाई फाउंडेशन पर देंगे जो तलबा को खेलों के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों के हुसूल पर तवज्जो देने की तरगीब देती है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि अपना शौक ढूंढो, बड़े ख्वाब देखो और बड़ा सोचने में शर्म महसूस न करो और अपना वसी विजन रखो। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मैं ये पैगाम बच्चों तक पहुंचा सकता हूं तो ये समझूं कि मेरा मिशन मुकम्मल हो गया। मैं अपनी फतुहात के लिए मद्दाहों के तावुन पर तमाम मद्दाहों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मॉन्ट्रियल की रिहायशी त्यूनिस निजात फिल्म मेकर मरियम जुबैर मुमकिन तौर पर ऑस्कर अवार्ड की फातह हो सकती हैं। उनकी बनाई गई मुख्तसर दौरानिया की फिल्म इख्वान को 92वीं एकेडमी अवार्ड के लिए बराह रास्त एक्शन शॉर्ट फिल्म के जुमरे में नामजद कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल की रिहायशी त्यूनिस निजात फिल्म मेकर मरियम जुबैर अपने प्रोड्यूसर के हमरा एकेडमी अवार्ड की तकरीब में शरीक होंगी, जहां दीगर नामजद फिल्म मेकर भी मौजूद होंगे। उनके फिल्म अख्वान में एक त्यूनिस के चरवाहे की कहानी सुनाई गई है जो अपने बड़े बेटे की शाम से वतन वापसी पर खानदानी वफादारी और उसूलों के माबैन फंस कर रह जाता है। जुबैर ने कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी के मेल ह्यूपेपिन हाई स्कूल ऑफ सिनेमा से ग्रेजुएशन किया है और वो गुज़िश्ता 11 सालों में मॉन्ट्रियल में मुकीम हैं। इख्वान को सैंडेनस और TIFF में मुंतखब गया, जहां उन्होंने कनाडा की बेहतरीन शॉर्ट फिल्म जीतने के साथ साथ 48 ममालिक में 60 से ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो में असाज़ा की तमाम मरकजी तालीमी यूनियनों ने इस हफ्ते हड़ताल का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद तवक्को है कि रवां हफ्ते ऑन्टेरियो के तमाम स्कूलों में तालीम और तदरीस का निज़ाम मुअत्तल रहेगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो में असाज़ा की तमाम मरकजी तालीमी यूनियनों के हड़ताल के बाद सूबे के तमाम स्कूल अमलन बंद हो जाएंगे। असाज़ा की जानिब से की जाने वाली इन सिलसिलावार हड़तालों का मामला अगर तूल पकड़ता है तो इन हड़तालों के स्कूलों से मुंसलिक दीगर कारोबार पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। इस हड़ताल के नतीजे में तमाम पब्लिक स्कूल, पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल और फ्रेंच स्कूल बंद रहेंगे। दूसरी तरफ ऑन्टेरियो इंग्लिश कैथोलिक असाज़ा एसोसिएशन ने इस हफ्ते किसी हड़ताल के मनसूबे का ऐलान नहीं किया है, जिसके नतीजे में इन हड़तालों से अंग्रेजी कैथोलिक स्कूलों के तलबा मुतासर नहीं होंगे और इन स्कूलों में तालीम और तदरीस का अमल जारी रहेगा। शाम की मरकजी शाहरा के तसल्लुत के लिए इत्तेहादी अफवाज और दाइश जंगजुओं के दरमियान झड़प में 20 शहरी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक शाम की हल्ब को दमश्क और उर्दन की सरहद से मिलाने वाली मरकजी शाहरा M5 से अस्करियत पसंदों का कब्जा वागुजार कराने के लिए इत्तेहादी अफवाज ने फजाई कार्रवाई की, जिसके दौरान उन्हें दाइश जंगजुओं की जानिब से सख्त मजामत का सामना रहा। फजाई बमबारी की जर्द में आकर बच्चों समेत 20 शहरी लुकमा अजल बन गए, जबकि दर्जन से ज्यादा जख्मी है। कामयाब फजाई कार्रवाई के बाद बशारुल असद हुकूमत ने मरकजी शाहरा का कंट्रोल संभाल लिया है। इस तरह जंग के आखिरी मैदान हल्ब का मुल्क के दीगर इलाकों से राबता बहाल हो गया है। वाज़ेह रहे कि शाम में दाइश के आखिरी ठिकाने अदलिब में दिसंबर से जारी फजाई कार्रवाई में 300 शहरी हलाक हुए और 5 लाख से ज्यादा अफराद को नकल मकानी करना पड़ी है, जबकि 6 साल से जारी जंग के बाइस भूख और अफलास ने मुल्क में डेरे डाल दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और लाखों अफराद पनागुजीन कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में एक छोटा जेट तैयारा परवाज भरने के कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद लुकमा अजल बन गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست جارجیا کی کاؤنٹی گورڈن میں ایک چھوٹے جیٹ طیارے کا پرواز بھرنے کے کچھ دیر بعد کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارے کا ملبہ جنگل سے مل گیا جس میں سے چار لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ قبل ازیں کئی گھنٹے جاری رہنے والے سرچ آپریشن کو موسم کی خرابی کے باعث معطل کر دیا گیا تھا۔ ملبے سے نکالی گئی چار لاشوں میں سے ایک خاتون کی لاش بھی ہے۔ طیارے نے فلکن فلیٹ سے نیشوول کے ایئرپورٹ جان سی تیون کے لیے اڑان بھری تھی۔ فیڈرل ایویشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جیٹ طیارے نے جس وقت اڑان بھری اس وقت موسم شدید خراب تھا، دھند اور فوگ کے باعث حد نگاہ نہایت کم تھی، جس کے باعث ممکن ہے جیٹ طیارہ کسی درخت سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا ہو۔ چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی، جو 2002 میں سارس وبا سے ہونے والی ریکارڈ ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق چین میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سارس وبا سے ہونے والی ریکارڈ ہلاکتوں سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں 803 ہیں، جبکہ 2003 میں تباہی مچانے والے سارس وائرس سے دنیا بھر میں 774 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ عالمی ادارہ صحت کا دعویٰ ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں استحکام دیکھا گیا ہے، جو خوش آئند بات ہے، تاہم ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ چینی سائنسدانوں کے علاوہ دنیا بھر کے سائنسدان مو زور وائرس کی روک تھام کے لیے دن رات تحقیق میں مصروف ہیں۔ کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ چین کے شہر ووہان سے ہوتا ہوا 2 درجن سے زائد ممالک تک جا پہنچا ہے، اور پہلی ہلاکت ہانگ کانگ میں ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا سے متعلق سب سے پہلے دنیا کو خبردار کرنے والے چینی ماہر امراض چشم بھی اس وائرس کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ادھر کرونا وائرس کے حوالے سے کئی افواہیں بھی زیر گردش ہیں، جس پر چینی حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف وائرس اور مرض کا سامنا ہی نہیں بلکہ افواہوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب چینی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وائرس چمگادڑ سے نہیں بلکہ ممالیہ جانور پینگوئن سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV.